हाँ, ये देखिए दोस्तों, मैंने तोड़ लिया है। हाँ? क्या बोला है? दोस्तों मैं यहाँ पे वेल ऐड नहीं किया है, बिना वेल का बना रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी आज मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा लग रहा है। कल जो मैंने कबीरदास को दिखाया था, उसको बोलते हैं ना तांत्रिक, जो पूजा वगैरह कर दिया है, तो अभी थोड़ा पाँव थोड़ा ठीक हो गया। अभी अच्छा से मैं चल पा रही हूँ। अच्छा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock। तो दीदी और मैं अभी फिर से आया है यहाँ पे हम लोग सब्जी ढूंढने के लिए, जो कि हल्दी का फ्लावर ढूंढने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हल्दी का गच्ची यहाँ में भी है चारों तरफ। ये देखिए दीदी वहाँ पे हल्दी का फ्लावर ढूंढ रही है। और यहाँ पे देख सकता है रोड, पक्का रोड, पूरा एकदम रोड भी खराब हो गया है। गाड़ी ज्यादा आना जाना होता है दोस्तों। ऐसे भी बहुत साल हो गया नहीं बनाया वाला। और दोस्तों इधर में देखिए, यहाँ पे भी है हल्दी का गच्ची। ये देखिए, तो यहाँ पे दीदी मिला है क्या? एक तो मिला है, एक तो मिला है। इतना छोटा है, इतना छोटा है। हाँ, और नहीं है वाला? नहीं है, नहीं मिला है यहाँ पे भी नहीं है। खरीद खरीद के वो सफल खरीदना पड़ेगा, बिक्री करने के। हाँ? क्या बोला है? इसको बिक्री करने के बाद आपको चप्पल खरीदना होगा? हाँ। पैसा नहीं है? पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, खरीदेंगे ना, खरीदेंगे। हाँ। तो दोस्तों दीदी को सिर्फ इतना तो मिला है, ये एक तो मिला है, ज्यादा नहीं मिला है। तो अभी फिर से ढूंढेंगे हम लोग, पता नहीं मिलते है कि नहीं मिलते है। उधर में भी है शायद, फिर से ढूंढेंगे हम लोग। और दोस्तों ये देखिए आज का वेदर, कल से पूरा बारिश दे रहा था, तो आज थोड़ा वेदर अच्छा लग रहा है। ये देखिए एकदम धूप किला किला हो गया है, ये मैं देख सकता है दोस्तों। तो चलो यहाँ से ढूंढते हैं फिर। फ्लावर का गच्ची है, फिर भी एक भी हल्दी नहीं है। शायद रास्ता में है ना, तो आना जाना करता है आदमी लोग, उठा के लेके गया होगा। अनलकी है रे, नहीं मिला है। सोना वालों ढूंढने जाएगा ना? नहीं मिला है, नहीं है। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं होनावलो तोड़ने के लिए, जो कि हम लोग का लैंग्वेज से बोलता है होनावलो ना दीदी। तो ये देखिए सिर्फ इतना तो मिला है ये हल्दी का फ्लावर। यला मैं दीदी को दूंगी दोस्तों, क्योंकि दीदी घर पे अकेली है, वो जीजू भी नहीं है, कुछ बाहर में चला गया वो। तो हम लोग तो फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, 5 जन है हम लोग, इसलिए उसको खाने के लिए दूंगी। हो जाएगा ना ये आप लोग का? ले लो। तो चलो चलते हैं अभी। ये देखिए उधर में है स्कूल, तो हम लोग वहाँ से लेने जा रहे हैं। कौन जाएगा उठने के लिए? इतना बड़ा गच्ची है। हाँ? ओ दीदी कुछ भी नहीं लाया दोस्तों हम लोग, ऐसे आया है खाली खाली हाथ। अभी कैसे लेकर जाएंगे हम लोग? वहाँ पे देखो दोतू है, सब खा दिया ना, सिर्फ ऊपर वाला बाकी है। ये देखिए दोतू है, वो भी बुरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामने वाला सब उतार के लेके गया है, जो ऊपर में है वोला बुरा हो गया। हम लोग तोड़ भी नहीं सकता है, ज़्यादा ऊंचाई में है। वहाँ पे देखिए कैसे तोड़ेगा हम लोग। तो सामने वाला सब खा दिया आदमी लोग। तो अभी सीधा फिर जा रहे हैं हम लोग, घर पे जाएंगे ना दीदी का घर में, कुछ सब्जी ढूंढेंगे फिर वहाँ से, क्योंकि आज शाम के लिए सब्जी भी कलेक्ट करना है हमको पकाने के लिए। चलो अभी चलते हैं। फाइनली दोस्तों दीदी का घर में पहुंच चुका है। अभी यहाँ पे है उसका घर। अभी दीदी पानी लेने गया है, दे दीजिए पानी। पानी बहुत पानी प्यास लग रहा है हमको। इतना गरम।
नहीं खाएगा नहीं पिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से लौकी लेकर जाऊंगी दीदी का वहाँ से। ये देखिए चुटकी चुटकी वाला बहुत ज्यादा है, ये देखिए, और उधर में भी है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से मैं तोड़ के लेके जाऊंगी। हाँ ये देखिए दोस्तों, मैंने तोड़ लिया है लौकी, गिर गया। ये देखिए आस्ते 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 खाएंगे यहाँ से, इतना बड़ा है एकदम लोकल वाला। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मैंने तोड़ लिया है, तो अभी यहाँ पे रखती हूँ। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं पम्पकिन तोड़ने के लिए। चलो यहाँ पे है दीदी, हमको मदद करने के लिए जा रहा है। अभी धीरे धीरे शाम भी होने वाला हो गया दोस्तों, 4:00 हो गया है। ये देखिए उधर में जाएंगे ना। चलो अभी मैंने तो दाव भी नहीं लाया है, कहाँ से इतना गर्मी है दोस्तों, बाप रे। वाह ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो गया ना मेरा मुंह। तो चलो अभी, ओ उधर में नदी किनारे है ना आपका वहाँ, हाँ ओ योला आपका तो यहाँ भी है पम्पकिन। वाह पूरा मालिक बन गया, योला बिक्री करने से तो बहुत पैसा मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, दीदी लोग पूरा पम्पकिन का खेती किया है, वाह हमको तो मालूम भी नहीं था। वहाँ पे है नदी, हम लोग का नदी उस साइड में, और नहाने मन हो रहा है दोस्तों, इतना गर्मी लग रहा है हमको, पूरा नहाने मन हो रहा है। चलो अभी ये देखिए दीदी पूरा आगे आगे जा रही है, वहाँ पे है अंकल। ओ मिल गया, तोड़ो तो दीदी। दिखाओ तो एकदम लोकल, लोकल हमको ये वाला पसंद है, हमको ऐसा वाला ज्यादा मतलब पका वाला पसंद नहीं है हमको। वाह मिल गया, हाँ ये वाला अच्छा है ना खाने के लिए, बॉयल करके खाता है ज्यादातर हम लोग। ये देखिए दोस्तों चारों तरफ पूरा पम्पकिन का खेती किया है, ये वाला बिक्री करने से बहुत पैसा मिलेगा दीदी को। वहाँ पे है अंकल पापा का छोटा भाई, क्या सफाई कर रहा है। हम लोग इधर भी ढूंढ लिया है पम्पकिन, तो सिर्फ ऊपर ऊपर में ढूंढ रहा है हम लोग, ज्यादा वो मिडिल में नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वो छोटा वाला जो पम्पकिन उग रहा है वाला भी खराब हो जाएंगे ना, तो इसलिए। चलो फिर उधर में जा रहा है हम लोग उस तरफ नदी किनारे। पम्पकिन मेरा नाम तो अम्पकिन है, ये तो पम्पकिन मिला है क्या सच में आपका नाम अम्पकिन है? हाँ अम्पकिन, ये मेरा बहन है पम्पकिन, और आप अम्पकिन मेरा नाम अम्पकिन है। चलो अभी देखो तो दोस्तों पूरा जंगल जंगल है यार, इतना गर्मी है। यहाँ पे देखिए नदी उस तरफ है, तो ये देखिए हम लोग आ गया है। सेस आपका पम्पकिन का साग तो गाय ने खा दिया है, ये देखिए। हाँ सेस ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा बर्बाद हो गया है, गाय ने खा दिया है, क्योंकि गाय यहाँ पे आना जाना करते हैं ना, यहाँ पे घास खिलाने आता है, तो वोला खा दिया होगा। तो इस तरफ है कि नहीं है, तो यहाँ पे आके हम लोग को एक तो भी नहीं मिला है। फिर उधर में जा रहा है साग ढूंढने के लिए पम्पकिन का साग, वहाँ से तोड़ेंगे हम लोग। चलो अभी ये देखिए धीरे धीरे शाम भी होने वाला हो गया है। आजकल दोस्तों गर्मी ज्यादा ही हो रहा है, पूरा थक गया। मिलो ना एकदम पूरा थक गया, दून दून के सब्जी दून दून के काम होने से दोस्तों मेरा दिमाग में क्या सब्जी पकाऊं, कहाँ से सब्जी दूनूं, वही टॉपिक आता है मेरा दिमाग में, क्योंकि रोज हमको ही खाना पकाना पड़ता है, तो इसलिए सब्जी हमको ही ढूंढना पड़ता है। दीदी पम्पकिन का साग तोड़ने के लिए मदद कर रहा है हमको, तो मैं भी यहाँ से तोड़ती हूँ। देखो पूरा एकदम बड़ा बड़ा,
ये देखिए दोस्तों इतना मिला है, तो ज़्यादा लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि हम लोग का घर में भी है, लेकिन हम लोग का घर में छोटा छोटा है, हम लोग का मिट्टी ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, इसलिए अच्छा से नहीं पकड़ता है। तो ये देखिए इतना मिला है दोस्तों। ओ ये देखिए, तो इसको लेकर जाऊँगी अभी, इतना गर्मी है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ, दीदी ना बहुत मेहनती है, अभी जीजू भी नहीं है घर पे, वो अकेले घर संभाल रही है। और यहाँ पे देखो क्या क्या खेती किया है, यहाँ पे भी पंपकिन का साग किया है, उधर में भी किया है, और यहाँ पे मिर्ची का खेती, बहुत सारा सब्जी का खेती किया है, बहुत मेहनत करता है, ऐसे नहीं करने से भी पेट का गुजारा नहीं होता है। तो ये देखिए हैट्स ऑफ दीदी को बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वो। तो इतना गर्मी है, धीरे धीरे शाम भी होने वाला हो गया है, अभी घर में जाके हमको फिर से खाना भी पकाना है दोस्तों। अभी कच्चा है, ये देखिए लेके जाना था जंगली फ्रूट, आप लोग देख सकते हैं, तो लेकर नहीं जाऊंगी, तो ये वाला नहीं तोड़ेंगे हम लोग। हाँ ओ यहाँ पे एक तो है, वाह ये इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको बोलते है ना गुनसो, ये देखिए वाह पूरा थक गया, सब्जी धुन धुन के पूरा हालत खराब हो गया एकदम, इतना गर्मी है दोस्तों, बाप रे बाप। चलो अभी चलते हैं, अभी मैं दोस्तों घर पे जा रही हूँ क्योंकि शाम भी होने वाला हो गया है, धीरे धीरे हमको घर पे जाके खाना भी पकाना है। अभी दीदी भी मेरा साथ जा रही है दुकान पे, कुछ सामान लेना है बोला है उसको, इसलिए अभी मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए सामान मैं अभी यहाँ पे रख के जाऊंगी। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ दोस्तों मछली लेने के लिए, मम्मी अभी हमको कॉल करके बुलाए कि मछली बिक्री कर रहा है उधर में, तो इसलिए उधर रास्ता में बिक्री कर रहा है एकदम लोकल ताजा ताजा मछली, तो इसलिए मैं मछली लेने जा रही हूँ। अंकल दे आजू जा दे, चलो अभी मैं जाती हूँ दोस्तों। ये देखिए मिल गया है, तो अभी मछली का साथ खाना पकाना है, ये देखिए मिल गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने मछली को अच्छे से सफाई कर लिया है, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हल्दी और नमक और मिर्ची ऐड करना है, यहाँ से मिर्ची ऐड करती हूँ। तो इसको अभी मैं मिक्स करती हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे ऑयल ऐड नहीं किया है क्योंकि हमको ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए बिना ऑयल का बना रही हूँ। तो और यहाँ पे मिर्ची थोड़ा थोड़ा है, वो भी दे दूँगी, हमको तीखा ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए वाओ, यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइनली एकदम बन के रेडी हो चुका मछली बिना ऑयल का, मछली बन के रेडी हो चुका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पम्पकिन का साग, और यहाँ पे है पम्पकिन चुटकू वाला, लेकिन अभी भी कच्चा है, तो इसको मैं बॉयल करके बनाऊंगी। तो अभी इसका छिलका निकाल लेती हूँ अच्छे से, और पम्पकिन का साग भी बन के रेडी हो चुका है। देखिए एकदम गरम गरम बढ़िया तरह से मैंने सिर्फ बॉयल किया है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मछली रखा हुआ है, इसको मैं मिर्ची बनाऊंगी पम्पकिन का साग का साथ खाने के लिए। ये देखिए Thank you.
मिर्ची का साथ थोड़ा हल्दी, और यहाँ पे देखिए दोस्तों स्वाद अनुसार नमक। तो आप लोग वेल डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, तो मैं वेल ऐड नहीं करूँगी, ऐसे करके बनाऊँगी एकदम। ये देखिए दोस्तों अभी भी जूल है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जूल को अभी थोड़ा सूखने के लिए रुकूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जूल भी अच्छी तरह से सूख लिया है, तो अभी इसको मैश करना होगा मिर्ची को। एकदम अच्छी तरह से मैश हो गया है, तो इसको अभी रखती हूँ, अभी खाएंगे खाना। तो यहाँ पे है जो मछली, ये देखिए वाओ एकदम टेस्टी टेस्टी मछली। और यहाँ पे है मिर्ची जो कि मछली का साथ बनाया है, और यहाँ पे पम्पकिन विथ पम्पकिन का साग। और यहाँ पे भाई भी आ चुका, भाई और मैं खा रहा है, मम्मी पापा गया है दुकान पे। फिलहाल दोस्तों अभी खाते हैं डिनर, तो आप लोग भी जो जो डिनर नहीं किया है वो डिनर कर लीजिए, तो उसके बाद फिर मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। हाँ ये देखिए दोस्तों पम्पकिन बॉइल किया है मैंने। लोकल मछली कसूर है। फाइनली दोस्तों खाना खा के हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, यम्मी था खाना, हमको आज थोड़ा खाना पसंद आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, तो मिलती हूँ फिर से कल एक नए वीडियो में। अगर मेरा चैनल को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, और हमेशा हमको सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर सभी को, गुड नाइट।